नमस्कार, मैं अशोक तिवारी समृद्धि न्यूज चैनल से, और मैं आज आप लोग को मिलवाने जा रहा हूँ। ऐसे तो सदर हॉस्पिटल में प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में है, और मैं एक अच्छे डेंटल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रतीक, आइए इनसे मिलवाते हैं हम। एक अच्छे सुदृढ़ और ईमानदार कर्मठ डॉक्टरों में से एक माने जाते हैं, अपनी पहचान अपनी गुणवत्ता से इन्होंने बनाया है। काफ़ी इनकी तारीफ की जाए, जितना भी तारीफ की जाए कम है। इनसे बात करते हैं, और भी बहुत मुद्दे पर इनसे बात होगी, जानते हैं। आइए रूबरू कराते हैं आपको डॉक्टर प्रतीक से। सर, समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा आज हम लोग आपसे रूबरू हुए, और तमाम हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक भी आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आज मैं एक जो हमारी चर्चा हो रही है, विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, हर जगह, हर पंचायत से लेके नगर से लेके हर जगह मैं जाके डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपकी आज जो मैं सदर हॉस्पिटल को भी विजिट किया, आप ऐसे तो सर के जाने माने डॉक्टरों में से एक है, लेकिन मैंने जब हॉस्पिटल का मुआयना किया तो पहले से काफ़ी बेहतर और विकास दिखा, बहुत ही सुंदर लगा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए आपके साथ, मैं एक बार चाहूँगा कि इनको भी थोड़ा सा सबको दिखाया जाए। लंदन से आए हैं सर, सर एक अच्छे डॉक्टर हैं, लंदन में काफ़ी फैसिलिटी के भी बारे में बताएंगे। सर, हम आपसे भी चाहेंगे कि सर हमारे सरकार को कुछ सुझाव दें ताकि यहाँ की बेहतर प्रणाली हो सके, तो मिलवाएंगे सर से भी। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर प्रतीक सर से। सर धन्यवाद। हमारे अभी हम तो विकास के मुद्दे पर तो ज़्यादा हमारे अस्पताल प्रशासन का मुद्दा होगा, और अस्पताल में चिकित्सा सुविधा के बारे में हम ज़्यादा बताना चाहेंगे। और आज खुशी की बात थी कि हम लोगों के बीच डॉक्टर तारिक लंदन से आए थे, जो हमारे ज़िले के रहने वाले हैं, और इनको हमने अस्पताल का विजिट भी कराया, और इन्होंने कई विभाग को देखे, और इनसे हम काफ़ी जानकारी प्राप्त की। एक्चुअली मेरी टारगेट था, इन्होंने दिल्ली जब पहुँचे तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने शहर में आएँ, और यहाँ के रहने वाले हैं, इत्तेफाक से इस शहर के ही पढ़े लिखे भी हैं, जैन स्कूल के प्रोडक्ट हैं, तो हमसे काफ़ी कुछ जानकारी हमने हासिल करने की कोशिश की, और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं उनके साथ काफ़ी समय तक आज व्यस्त रहा, 3-4 घंटे इनके साथ अस्पताल में बिताने के बाद ये कई ऐसी चीज़ों को बताए कि जो लंदन में इनके हॉस्पिटल में सुविधाएँ दी जा रही हैं, इस अस्पताल में भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन मरीजों की अपार भीड़ है, इतनी भीड़ को कम संसाधन में, सीमित संसाधन में इतनी भीड़ को मैनेज करना, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। विदेशों में भी अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत कम होती है, डॉक्टर सफिशियंट होते हैं, यहाँ डॉक्टर्स पैरामेडिकल कर्मी और अन्य स्टाफ की कमी के बावजूद सीमित संसाधन में हम लोग काफ़ी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इस बारे में भी हम लोग का प्रयास रहता है। रही बात कि हमारे यहाँ गरीब मरीज़ ज़्यादा हैं, उनको ससमय इलाज हो जाए, उनको ससमय दवा उपलब्धता हो जाए, उनकी जांच से संबंधित, उनके रेडियोग्राफ्स, अल्ट्रासाउंड, अदर फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मुफ्त हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इसके वजह से ही आज हमारे ओपीडी से लेके इंडोर में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 हज़ार मरीज की ओपीडी होती है। डॉक्टरों की संख्या में बहुत कमी होने के बावजूद भी सभी लोग लगे रहते हैं, और अभी तो नया नेतृत्व भी मिला है, जैसा आप थोड़ी देर पहले हमारे सिविल सर्जन साहब से पूछे, तो हमारे नए सिविल सर्जन जो ज्वाइन किए हैं, इन्होंने आते के साथ सारे चिकित्सकों के साथ एक बैठक की, और बैठक में इन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की कि हम लोग सीमित संसाधनों में बिना किसी परेशानी को दिखाते हुए दूसरे की परेशानी कैसे हल करें, ये हम लोगों का मेन मुद्दा था। परेशानी हर जगह है, कमी हर जगह है, ऐसा नहीं है, वो क्लिनिक्स हो, बड़े बड़े नर्सिंग होम हो, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनमें कमी निकलेगी। हम कमी अपनी नहीं देखें, मरीजों की जो दुर्दशा है, उनकी जो शिकायत है, उसको इस सीमित संसाधन में कैसे पूरा करें, इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का एक टीम गठित हुई, और सर ने पूर्व की भांति, जैसे पूर्व के सिविल सर्जन ने हमें प्रशासनिक पदाधिकारी का कार्य दायित्व भी दिया हुआ था, सर ने बोला कि इसको भी आप करते रहें। और मैं बेसिकली एक दंत चिकित्सक हूँ, और मेरी टारगेट ये होता है कि जो भी मरीज हमारे यहाँ आए, उनको हम ससमय उचित इलाज, उचित मार्गदर्शन दे करके, नॉट ओनली फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव के लिए भी उनको हम लोग काफ़ी अच्छा राय देने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल के हैं, बहुत सारी कमियों को दूर भी किया गया है हॉस्पिटल से, मैंने देखा है, क्योंकि पहले तो काफ़ी परेशानियां होती थी, अभी आप लोगों ने काफ़ी हद तक दूर किया है। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि अभी खास तौर पर मरीजों के लिए सदर हॉस्पिटल में और क्या बेहतर उपलब्ध कराया गया है। अभी हमारे यहाँ मरीज की संख्या तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों के यहाँ विगत कुछ दिन पहले हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आए हुए थे, उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए थे। सर्वप्रथम तो उनके द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया था कि हर वार्ड पर, हर इंडोर पेशेंट्स के
प्रत्येक नर्सेस का नंबर हो, क्योंकि कोई पेशेंट आता है तो अभी की ड्यूटी में कौन सी नर्स थी, कौन से डॉक्टर थे, उनको पता नहीं होता है। तो सारे नंबर को उन्होंने प्रदर्शित कराया, जो तुरंत में किया गया। दूसरा, थोड़ा वाटर लॉगिंग की समस्या थी, तो ये पुराना अस्पताल है, वाटर लॉगिंग के लिए अभी हाल में काफ़ी तेज़ बारिश के बावजूद भी नगर आयुक्त महोदय के द्वारा तुरंत पानी की निकासी की गई। बहुत अच्छी तो नहीं हो पाती है, लेकिन इतनी सुगम व्यवस्था हुई कि मरीज को आने जाने में और इन्फेक्शन कंट्रोल में कुछ हद तक सुविधा मिली है। दूसरा, हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनको काउंसलिंग वाला पार्ट बहुत वीक था, तो सर के आदेश से 3 जगह पर पूछताछ केंद्र भी बनाए गए हैं, जैसे OPD में, इंडोर में, इमरजेंसी वार्ड में और गायनी वार्ड में, जिसका भरपूर फायदा पेशेंट को मिल रहा है। वहाँ 2 डेडिकेटेड मैन इसलिए सिर्फ रखे गए हैं कि वो डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पुर्जे को और उनके द्वारा जो सरकार की सुविधाएं दी जा रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है मरीजों को, उनको थोड़ा अवेयरनेस प्रॉब्लम है, तो इस जानकारी को शेयर नहीं करने से वो अस्पताल प्रशासन को विभाजन का शिकार हो जाता है। ऐसे केसेस में हमारा जो पूछताछ केंद्र था वो मरीजों को अपार सेवा दे रहा है, इससे मरीज को काफ़ी सेटिस्फैक्शन हो रहा है। मतलब इलाज तो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मरीज को ये सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि मेरा प्रॉपर इलाज हुआ और हम यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, हमें अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, ट्रीटमेंट करना ही नहीं, क्वालिटी ट्रीटमेंट की तरफ। जब से ये अस्पताल ISO बना था तब से यही हम लोगों का एक मार्गदर्शन था कि हम लोग अस्पताल को एक क्वालिटी ट्रीटमेंट कैसे दे सकें। और इसी संदर्भ में आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसके चलते वो डॉक्टर साहब भी आए हुए थे और उनके अनुरोध से काफ़ी कुछ हम लोग जानकारी लिए और इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट और भी करने का हम लोग का प्रयास रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपके सहयोगी मित्र जो आए हुए हैं लंदन से, सर से भी मैं जानना चाहूँगा, सर तमाम दर्शक आपको TV स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत सारे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी आपको देखते हैं, हमारे आरा शहर के ही आप हैं लेकिन लंदन में रहने के चलते हमारे लिए आप अतिथि हैं, इसलिए हमारे शहर में आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छा लगा, चूँकि आपने मुआयना किया, बहुत लोगों को आपको आपसे सीखने को मौका मिला, तो आपने जो देखा हमारे सदर हॉस्पिटल में, तो उससे आप क्या बताना चाहेंगे और क्या और इसमें किया जाए ताकि ये हॉस्पिटल और बेहतर पहुँचे। देखिए, हमारे जो पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लंदन में वहाँ पर किस तरह का सिस्टम है। एक हम लोग यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम वहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है किसी को भी वहाँ पर, तो 100% फ्री है। मीन्स आपका OPD से लेकर के ऑपरेशन या MRI स्कैन करें, यहाँ तक के पेट स्कैन, कैंसर ट्रीटमेंट जो भी हो वहाँ पर सब कुछ फ्री होता है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है 40%, लेकिन उसके बदले में वो बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। उस स्टैंडर्ड को तो यहाँ पर मैंने नहीं देखा और अभी हो भी नहीं सकता है। और जो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट हम लोग का है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सलेंस है NICE, उसके गाइडलाइंस में हम लोग वहाँ पर सारे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें और हम लोग का कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो है ना, वहाँ पर उनको सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं करना, उसको उनके लैंग्वेज में समझाना कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, हम जो दवा दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से उसको ट्रीटमेंट होगा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो पेशेंट के सेटिस्फैक्शन का। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर सिविल सर्जन साहब से और डॉक्टर प्रतीक साहब से जो बात हुई, मैंने इनको ये एडवाइस दिया कि ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है डेवलप करना, इन एडिशन टू यू नो क्लीननेस ऑफ द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स पेशेंट रेशियोज, नर्सेज पेशेंट रेशियोज, ये सब तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो कम्युनिकेशन इन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट, दैट मस्ट बी इन गुड स्टैंडर्ड। तो ये सब चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे तो इम्प्रूवमेंट का काम जैसे डॉक्टर प्रतीक जी ने बताया उसमें से बहुत कुछ हुआ है और चल भी रहा है, लेकिन फर्दर इसमें और बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लोग देख रहे थे लंदन से हैं सर डॉक्टर तरीक, बहुत ही काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताया। हमें जहाँ तक लग रहा है कि सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे लंदन में क्या होता है कि एक तो नंबर 1 क्लास का ट्रीटमेंट, जो कि यहाँ संभव नहीं है, नंबर 1 क्लास का ट्रीटमेंट, और A to Z जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, जहाँ से रिलेटेड हो, दवा से रिलेटेड हो, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके बदले में वहाँ की सरकार 40% टैक्स लेती है, लेकिन मरीजों के लिए जो भी व्यवस्था है बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होती है। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद इसके लिए, और डॉक्टर प्रदीप आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। समृद्धि सर सुखारी, कैमरामैन अरुण सर, धन्यवाद।